विदेशी बाजारों में लंबी छुट्टी का हफ्ता है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कमोडिटी मार्केट में, खास करके नॉन एग्री मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्शन तो नहीं है, लेकिन घरेलू बाजार में किस तरह की शुरुआत हुई है आइए वो देख लेते हैं। MCX गोल्ड की बात करें तो 54,500 रुपये के आसपास हल्की कमजोरी के साथ शुरुआती कारोबार में यहाँ पर शुरुआत हुई है। चांदी की बात करें तो 69,000 रुपये के बेहद करीब चांदी है और अभी 150 रुपये नीचे चांदी कारोबार कर रही है। क्रूड की बात करें तो फ्राइडे के सत्र में हमने देखा था एक ज़बरदस्त तेज़ी, 3% से ज़्यादा की मजबूती दिखी। आज भी MCX क्रूड 6,600 के ऊपर है, हालांकि आज सुस्ती दिख रही है, बेहद से दायरे में कारोबार हो रहा है। बाकी अगर नॉन एग्री मार्केट की चाल देखें तो यहाँ पर लेड हल्की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। एल्यूमिनियम बेहद सुस्त 208 रुपये पर। जिंक की बात करें तो 268 रुपये 80 पैसे पे हल्की गिरावट यहाँ दिख रही है। हल्की गिरावट कॉपर में भी है 712, यानी सारे ही मार्केट में आज रेंज में ही कारोबार हो रहा है। नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर भी 1% तक की कमजोरी दिख रही है, 422 रुपये के आसपास MCX पर कारोबार कर रहा है। हालांकि NCDX पर शुरुआती टिक्स नहीं आ रहे हैं, अब देखते हैं आगे किस तरह का एक्शन रहता है। हमने देखा था कि फ्राइडे के सेशन में जीरे ने नया रिकॉर्ड बनाया था, 30,300 के ऊपर पहली बार जीरा पहुंचा था, लेकिन आज अभी शुरुआती टिक्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस पर हमारा फोकस रहेगा और मुनाफे की मंडी में 11:30 पर बात करेंगे जीरे पर, गोल्ड सिल्वर और क्रूड पर। देखना मत भूलिए 11:30।